चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन रीड करो. क्वेश्चन क्या कह रहा है? टू ब्लॉक्स आर कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग एज शोन इन द डायग्राम. द अपर ब्लॉक इज हंग बाय अनदर स्ट्रिंग. अ फोर्स एफ अप्लाइड ऑन द अपर स्ट्रिंग प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 m/s² इन द अपवर्ड डायरेक्शन इन बोथ द ब्लॉक्स. इफ टी एंड टी डैश बी द टेंशन इन द टू पार्ट्स ऑफ द स्ट्रिंग. तो इसको टी टी फिगर में तो टी टी लग रहा है, हम इसको टी डैश इसको कर देते हैं और इसको टी रहने देते हैं. तो फोर्स ऊपर जो लगाया जा रहा है इससे एक्सेलरेशन इसमें भी होगा, ए एक्सेलरेशन, और इसमें भी ए एक्सेलरेशन होगा क्योंकि दोनों कनेक्टेड है. तो ऊपर जो टेंशन लग रहा है वो देखो टेंशन का डायरेक्शन ऊपर नीचे दोनों तरफ होगा. तो ये जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो वही आपका फोर्स टेंशन के इक्वल है, ठीक है. तो अगर मैं इस ब्लॉक का एफबीडी बनाऊं तो ध्यान से देखना, इस ब्लॉक का अगर एफबीडी बनाऊं 2 kg का, तो ऊपर एफ यानी टी लग रहा है और नीचे दो फोर्सेस लग रहे हैं. एक देखो टी डैश का डायरेक्शन नीचे भी होगा और ऊपर भी होगा. तो नीचे कौन लगा रहा होगा? 4 kg वाला ब्लॉक जो है 2 kg पे नीचे की तरफ ये टी डैश का टेंशन लगा रहा है, और ऊपर जो टेंशन लग रहा है वो 2 kg वाला ब्लॉक 4 kg पे लगा रहा है. ये पॉइंट याद रखना. तो इस 2 kg वाले ब्लॉक पे इसका ग्रेविटेशनल फोर्स तो लग ही रहा है m × g, ठीक है. यानी m की वैल्यू कितनी इस केस में? 2 kg. और आपका जो टेंशन है टी डैश वो भी लग रहा है, करेक्ट है. 2 kg वाले ब्लॉक पे ये टेंशन भी नीचे लग रहा है और ग्रेविटेशन फोर्स भी लग रहा है. तो और अगर ब्लॉक का डायरेक्शन मोशन का ऊपर है तो नेट फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? नेट फोर्स इज इक्वल टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन. एफ नेट इज इक्वल टू एम इनटू ए एफबीडी के अकॉर्डिंग. तो नेट फोर्स किधर लग रहा है? नेट फोर्स की वैल्यू ऊपर की तरफ है, तभी तो बॉडी में एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ हो रहा है. इट मींस एफ माइनस टी डैश माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए. अब ये F की वैल्यू T के इक्वल है, इस वाले T के इक्वल, ऊपर वाले थ्रेड के टेंशन के इक्वल है, तो F की जगह T रख दिया. T माइनस T डैश माइनस Mg इज इक्वल टू Ma, करेक्ट है, ठीक. अच्छा, अब एक्सेलरेशन की वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है 2 m/s² ये दिया हुआ है, तो ये वैल्यू यहां रखी जा सकती है, ठीक है. और मास दोनों ब्लॉक का दिया हुआ है, ठीक है. तो ये इक्वेशन हमारा हो गया एक. अभी इसको इक्वेशन 1 कहते हैं, इस पॉइंट को याद रखना, ठीक है. ये मेरे पीछे आ जा रहा है तो इसको मैं थोड़ा अपने आप को शिफ्ट कर लेता हूं, ठीक है. अब जरा देखो इसमें दूसरे क्या एफबीडी हम बनाते हैं. 4 kg वाले ब्लॉक का एफबीडी बना रहे हैं और उसमें थ्रेड का टेंशन टी डैश ऊपर लग रहा है और ग्रेविटेशनल फोर्स इस ब्लॉक का नीचे लग रहा है m × g. और ये पूरा ब्लॉक ऊपर मूव कर रहा है, इसका मतलब टी डैश बड़ा है एफजी से, ग्रेविटेशनल फोर्स से. तो इसमें F नेट इज इक्वल टू क्या होगा? कितना होगा? इसको m2 एक कह दो, इसको m1 एक कह दो, m1 कह दो, ठीक है. तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? T डैश माइनस Fg इज इक्वल टू m2 इनटू A. अब इस इक्वेशन में ध्यान देना, और इस इक्वेशन में यहां Fg की वैल्यू पुट करते हैं. अभी Fg की वैल्यू पुट नहीं कीजिए, m × g, ये m2g होगा, m2g इक्वल टू m2a. अब ये वैल्यू अगर यहां पुट की जाए, m2 की वैल्यू कितनी है? 4 kg, m2 है 4 kg. सो टी डैश इक्वल टू टी डैश माइनस, अगर इक्वल टू उधर भेज दिया जाए तो m2 ब्रैकेट में g प्लस a हो जाएगा. m2 की वैल्यू 4 kg, g की वैल्यू अगर 10 कंसिडर कर ली जाए, 9.8 या 10 रख दो, 10 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 12. तो ये हो जाएगा 4 × 12, टी डैश इज इक्वल टू 48 आ जाएगा न्यूटन. अगर 9.8 रखोगे तो थोड़ा सा कम आ जाएगा टी डैश की वैल्यू, तो 48 के आसपास. तो ये दोनों ऑप्शन है टी डैश, यानी ए बी में से कोई भी हो सकता है. अब यहां रखते हैं, सो टी इज इक्वल टू क्या होगा? टी डैश इस इक्वेशन में राइट साइड को शिफ्ट कर दे, टी डैश को भी, और m1g, ये भी m1g होगा ना, ये m1g प्लस m1a, ठीक है. मेरे पीछे आ जाएगा, ये भी नहीं आएगा. चलो सो टी डैश की वैल्यू 48 कर दो और m1 कॉमन लेके g प्लस a कर दो, कितना हो जाएगा ये? t इज इक्वल टू 48 प्लस m1 की वैल्यू 2 × 10 प्लस 2 12 हो जाएगा. 12 × 2 कितना आएगा? 12 × 2 24 प्लस 48 कितना हो जाएगा ये? 72 हो जाएगा, 72 आ जाएगा. सो t की वैल्यू 72 आ गई, 72
टू आ गई, और टी डैश की वैल्यू कितनी आई 48। तो कौन सा ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है? ए वाला ज्यादा अप्रोप्रिएट है। क्यों? क्योंकि हमने जी की वैल्यू 10 कंसिडर किया। अगर जी की वैल्यू 9.8 कंसिडर करोगे ना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो एग्जैक्टली वही वैल्यू आ जाएगी जो यहाँ लिखी हुई है। तो हम लोग जनरली जब भी इस तरह के केसेस में जो नजदीक वैल्यू होती है, जो आंसर आपका आ रहा है वैल्यू, जो क्लोजेस्ट आंसर होता है वही आप आंसर मार्क करोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।